हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर लक्षिता, आई एम अ होम्योपैथिक फिजिशियन इन दिल्ली। तो आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि जानलेवा भी हो सकती है। तो हम इसके बारे में जानेंगे, ये क्या होती है, कैसे होती है, इसके लिए क्या टेस्ट होते हैं और क्या ये दवाओं से ठीक हो सकती है। तो आज हम इस बीमारी के बारे में बात करेंगे जो कि है मेनिंजाइटिस। चलिए शुरू करते हैं। तो मेनिनजाइटिस जो होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो हमारे दिमाग की वो होती है परतें, उसकी सूजन होती है, जो बाहरी परत होती है उसकी सूजन को हम मेनिनजाइटिस कहते हैं। मेनिनजाइटिस के क्या क्या लक्षण होते हैं हम ये भी जान लेते हैं। गर्दन में दर्द सबसे मोस्ट कॉमन, इसका सबसे कॉमन रीजन है गर्दन में दर्द होना, जिसको हम नकल रिजिडिटी भी बोलते हैं। और दूसरा लक्षण है कि इसमें सर दर्द भी होती है, और सर दर्द बहुत सीवियर हेडेक होती है, यानी बहुत ज़्यादा तेज दर्द होती है, ऐसी रोजमर्रा की सिर दर्द जैसी दर्द नहीं होती। और तीसरा कारण, तीसरा लक्षण है इसका कि इसमें जो है एपिलेप्सी यानी दौरे पड़ना भी हो जाता है, एपिलेप्सी कन्वर्शंस भी जिसको कहा जाता है। और हमें इसमें सर दर्द के साथ साथ फीवर आना या फिर फोनोफोबिया, फोटोफोबिया यानी देखने में आंखों में दर्द होना और नॉइज से प्रॉब्लम होना, ये सब इसके कॉमनेस्ट सिम्टम्स हैं। इसमें पेशेंट बहुत चिड़चिड़ा इरिटेबल भी हो जाता है। मेनिनजाइटिस का सबसे बड़ा कारण इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन जो कि बैक्टीरियल, वायरल, पैरासिटिक, फंगल, इन सब तरीके के इन्फेक्शन से ही हमें अफेक्ट करता है। और तो और ये इन्फेक्शन में से सबसे कॉमन होता है वायरल इन्फेक्शन, जो कि कॉमनेस्ट भी है और लीस्ट पेनफुल भी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेलेडोना की, जो कि फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन दी जाती है मेनिनजाइटिस में। जब शुरुआत में सूजन होती है तो हम इस दवाई को देते हैं, जिसके साथ क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, फीवर और रेड फेस, रेडनेस इसमें बहुत मार्क्ड होती है फीवर के साथ साथ। दूसरी दवाई है हमारी जिसमें कि बहुत ज्यादा नौशिया होता है, यानी कि वॉमिटिंग आने की सेंसेशन, ज्यादा रेस्टलेसनेस फील होगी, और तो और वॉयलेंस इसमें मार्क्ड होगा, तो ये है स्ट्रेमोनियम। स्ट्रेमोनियम दे सकते हैं हम 30 पावर में 3 times a day। अब हम तीसरी मेडिसिन के बारे में बात करें तो एपिस्मेल में हम क्या देखते हैं कि इस पेशेंट को थर्स्ट नहीं होती, यानी ही इज थर्स्टलेस, ही और शी इज थर्स्टलेस। और तो और इसमें बहुत ज़्यादा नेक पेन होती है, मेनिनजाइटिस के साथ नेक पेन होगी, विच इज मार्क सिम्टम ऑफ इट। इडिमा भी इसमें देखने को मिलेगा और ड्राउजीनेस भी बहुत होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेडिसिन विच इज टेल्सिसिमियम पेशेंट, जो कि बहुत वीक पेशेंट है और इसमें लेफ्ट साइडेड प्रॉब्लम ज्यादा, दे आर अनेबल टू होल्ड देयर बॉडी, दे कांट इवन वॉक, वो चल भी नहीं पाते, इतनी उनको वीकनेस फील होती है। वीकनेस इज मार्क्ड इन टेल्सिसिमियम विद मेनिनजाइटिस। तो हम इन सब तो मैंने आज की इस वीडियो में बहुत ही कॉमन मेडिसिन की बात करी है। वैसे बहुत सारी मेडिसिन हम मेनिनजाइटिस में दे सकते हैं एज पर होम्योपैथिक अप्रोच, बट मैंने कुछ कॉमनेस्ट और बहुत यूजफुल मेडिसिन के बारे में बात की है। और अगर आपको कोई भी और दवाइयों के बारे में जानना हो या कोई भी और डिजीज़ के बारे में जानना हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं कि आपको कौन से डिजीज़ के बारे में जानना है। आपको कोई भी क्वेरी हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं फॉर योर पर्सनल कंसल्टेशन। सो थैंक यू।